हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भन्नाट साइंस में। और मैं हूँ अजय, लेके आया एक नया वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। आज हम इसे समझने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक सिर्फ 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, उसके आगे के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि एक बेसिक वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है एनर्जी, इसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अब हमें इसके लिए वर्क को समझना पड़ेगा। वर्क की वीडियो में यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा उसका लिंक, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो वर्क क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी चीज या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्क होना, या फिर हमने वर्क किया कुछ। तो एनर्जी और वर्क दोनों का ऐसा यूनिट है जूल, दोनों का सेम है, एनर्जी और वर्क का। तो जितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी उतनी ज्यादा हम वर्क कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, 10 किलो का बॉक्स है जिसे उठाकर मुझे ले जाना है कहीं पे, तो मेरे पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस तक उस बॉक्स को मैं ले जा सकता हूँ। तो एनर्जी के भी टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर और सॉरी फिफ्थ केमिकल और सिक्स न्यूक्लियर। तो अब हम इन्हें समझेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है। तो किस प्रकार से, तो उसे देखते हैं। तो हम मान लेते हैं ये है अर्थ का सरफेस, तो एक बॉल है, ये दूसरी और एक तीसरी बॉल है। तो हम अर्थ के सरफेस से उसे ज्यादा डिस्टेंस तक उठाएंगे, जितने ऊंचाई तक उठाएंगे उतनी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम इसे मान लेते हैं कि 1 kg का बॉल है और ये भी 1 kg का बॉल है। तो हमने इसे 1 मीटर ऊपर उठाया और छोड़ दिया, और इसे हमने 5 मीटर ऊपर उठाया और छोड़ दिया। तो हालांकि दोनों ही बॉल 1-1 kg के है, तो ज्यादा इम्पैक्ट कौन साबित करेगा या फिर कौन ज्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा, तो ये रेड बॉल वाला, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, जहाँ पे m है उसका मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हाइट। तो बढ़ते आगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलती है उसके मोशन के लिए, या फिर मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर, जहाँ पे एम है उसका मास ऑब्जेक्ट का और वी है वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसमें ज्यादा हो गया आपको गैस करना है। तो दोनों कार समान है यानी कि उनका मास समान है, लेकिन यहाँ पे एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। आपको फॉर्मूला देखना है और डिसाइड करना है। तो ज्यादा एनर्जी होगी 30 मीटर पर सेकेंड वाली कार की। आगे बढ़ते हैं थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर वाइब्रेटिंग फास्टर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं तो उसमें जो एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलता है, उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। जितना ज्यादा पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी दिखाई है, बल्ब है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर इन द बॉन्ड्स ऑफ
केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स के बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। आगे है और लास्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है, एटम को स्प्लिट करना होता है फ्यूजन, और फ्यूजन होता है एटम को कंबाइन करना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों। ये था छोटा सा वीडियो एनर्जी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा।